दोस्तों कर दिया है शुभमन गिल ने। अगर आपके सिस्टम में शुभमन जैसे प्लेयर हैं, ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं, यानी दो यंगस्टर, दो बच्चे, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आगे जाके 15-20 साल आराम से शायद क्रिकेट खेल ली है, अगर वो दोनों 200 कर रहे हैं तो भाई सिस्टम में कुछ तो ठीक आप कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ईशान किशन ने भी 200 किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी ओपनर है, और गिल भी ओपनर है जिन्होंने आज 200 किया है, और ईशान आज ओपनर नहीं आए। सो मेरे ख्याल से तो इंडिया की वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग स्लॉट सॉर्टेड लग रही है। उनके पास दोनों ऐसे यंगस्टर मौजूद हैं जो 200 ओडीआई में मार चुके हैं। 200 यार ओडीआई में, मतलब ये हर किसी की बात नहीं है। जब आप सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सहवाग वाली लिस्ट में शामिल होना शुरू हो जाए ना, तो एज ए यंगस्टर यू शुड फील प्राउड कि मैं कुछ ना कुछ ठीक कर रहा हूं। शुभनम गिल, शुभमन गिल, जिनको मैं अक्सर शुभनम गिल भी कह देता हूं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, शुभमन गिल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यार ये T20 में फिट इन नहीं है, लेकिन आज जो उनकी वो वाली वीकनेस थी कि ये उस तरह T20 में अपने आप को नहीं इंडिया मेंस टीम में साबित कर पाए, लेकिन आज वही उनकी स्ट्रेंथ साबित हुई। बहुत से खिलाड़ी दुनिया में 100 करने के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, फटीक आ जाती है, थक जाते हैं, रैश शॉट मार देते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को कैरी किया, लेके चले, टाइम लिया 100 के बाद, कोई जल्दी नहीं दिखाई, टीम के लिए खेले, वो तारीफ के काबिल है। इसके साथ साथ शुभमन गिल ने आज अपने 1000 ओडीआई के रन भी पूरे किए हैं, जो उनको फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर भी बनाता है जिन्होंने 1000 रन किए हैं, विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। विराट कोहली का ये रिकॉर्ड था शिखर धवन के साथ, इन दोनों ने 24-24 इनिंग्स में 1000 ओडीआई रन पूरे किए थे। शुभमन गिल ने आज 1000 रन सिर्फ 19 इनिंग्स में पूरे कर लिए हैं। तो आप इमेजिन करें, आप 200 कर रहे हैं, आप रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सहवाग वाली लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, आप 1000 रन कर रहे हैं, आप विराट कोहली वाली लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो मतलब आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी शुभमन गिल को, और आनी भी चाहिए यार। 208 भाई बहुत जगड़ा चाहिए इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के। यार यही होम एडवांटेज है जो किसी भी होम टीम को लेना चाहिए। हमारे सामने पाकिस्तान की एग्जांपल है, मुझे बड़ी पेन है इस चीज की कि किस तरह हमने पूरा सीजन वेस्ट किया गंदी विकेट बना के। मतलब इंडिया को देखें, अपने ही होम में 300-350 आप जितना मर्जी कह लें घर के शेर, लेकिन उनके बैटर इन विकेटों पे बैटिंग करके इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं कि वो फिर आगे जाके डोमिनेट करते हैं, इसीलिए उनके ज्यादा रिकॉर्ड भी हैं। सो अगर आप अपने ही घर में अपनी पसंद की विकेटें नहीं बनाएंगे तो आप कहां बनाएंगे। हर टीम को पूरा हक है कि वो अपना होम एडवांटेज लें। बड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपके बॉलिंग यूनिट में जब आपके बैटिंग यूनिट ने 300-350 लगाया हो, वो रिलैक्स होकर बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब आपकी टीम 220-230 पे आउट हो जाती है तो आपके बॉलर्स ने क्या जान मार के बॉलिंग करनी है, उनको पता यार मुझे एक ओवर में 3-4 चौके पार के तो सारा प्रेशर मेरे पे आ जाना है। सो बड़ा एडवांटेज है ये होम टीम को यार। न्यूजीलैंड ने शुरू में बड़ी टाइट बॉलिंग की है, इस हिसाब से भी आपको शुभमन गिल को पूरे नंबर देने पड़ेंगे कि जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है, प्रेशर को एब्जॉर्व किया है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में अच्छा करके आ रही थी, कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी। अभी देखते हैं कि बैटिंग में न्यूजीलैंड क्या करती है। बहुत अनलाइकली है कि न्यूजीलैंड इसको चेस करेगी, बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। इसके साथ शुभमन गिल का इतने रिकॉर्ड है यार, एक और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, हैदराबाद में जो हाईएस्ट स्कोर था किसी इंडियन का वो सचिन तेंदुलकर का था 175, और शुभमन भाई ने आज 208 कर दिए। तो आप चेक करें कि लड़के ने किन किन का रिकॉर्ड तोड़ा, सिर्फ ये चेक करें। तो देखते हैं कि ये टोटल न्यूजीलैंड चेस कर पाता है कि नहीं।